अपनी ओर से भेंट कर रही हूँ। गायब है मेरी दुनिया वालों ने। कौन सा बड़ा? बिल्कुल साधारण सा गीत है, सभी लोग जानते हैं। मेरी ओर से कोई ज्योति जी ऐसी धुन नहीं डालूंगी जिसमें फंसने फंसाने की बात है। आप भी अपनी हैं, ये कार्यक्रम भी अपना है। आइए सुनिए। मुकेश भैया कार्यक्रम बैठकर सुनिए, चलो, क्योंकि इस रात्रि पर हम आपका सुनेंगे वरना हम भी नहीं सुनेंगे। गाया है हो कार्य
समझ कैसे आ जाए। तो कोशिश कर रही हूँ, इसका कुछ अनुभव नहीं है बेटा, गर्मी आएगी। एक बार हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है और तारक असुर का इतना अत्याचार बढ़ गया और एक वरदान दे दिया। उसको वरदान है कि जो भगवान भोलेनाथ से पुत्र प्राप्त होगा उससे उसका वध होना है। हुआ क्या, अब भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। आकर भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करे तो कौन करे। सभी देवगण ने निवेदन किया, काम दो आप जाइए। जब ये काम ने सोचा तो विचार करने लगा कि भगवान भोलेनाथ से बैर लेने में मेरी तो खैर नहीं। सुने, कहने लगा देवेंद्र भैया, देवेंद्र भैया, पप्पू भैया, सुनिए बात है। अशोक विश्वकर्मा जी अभी थोड़ी देर में नारायण विश्वकर्मा जी आने वाले हैं। देखिए सबके हित में काम तो चलने लगे भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के। मन में सोच रही है
बड़ी बहन नीलम विश्वकर्मा जी को क्या बात है? बहुत सुंदर सा कार्यक्रम, बहुत सुंदर। और जैसा कि हमारे मुकेश भैया आ चुके हैं, मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। और मेरी ओर से उन्हें नमस्ते है। तमाम श्रोता बंधु आ रहे हैं, कीर्तन बंधु आ रहे हैं, सभी का हृदय से स्वागत है। गीत बहुत बढ़िया आया आपकी ओर से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ दोनों को नहीं सुने होते हैं, और सत्य है फिसल जाना, फिसल जाएगी अगर नहीं सुना है तो। हम आप कोई नए नहीं है ना? मतलब इस बात में नए नहीं है कि हम फिसलेंगे नहीं, फिसल जाना वाजिब है। आइए, गीत आपकी ओर से आया है के यारा ओ यारा। क्या बात है? कहा ये उचित तो नहीं है, लेकिन ये आपकी आज्ञा है, इसलिए क्या मारा है मारा क्या मारा है मारा मार को मारा।
राम